तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट में क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, मालूम नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर सर्विस में। और सर्विस का इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है सर्विस का इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि सर्विस में वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और उनमें से मिनिमम 6 क्वेश्चन तो आपको पूछे ही पूछे जाएंगे, 100% वो 6 क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। तो देखते रहिए वीडियो। अगर पानी है मंजिल तो करनी है जी तोड़ मेहनत, मत हार हिम्मत, एक दिन जरूर मिलेगी तेरे को तेरी मंजिल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विद शेफ राणा, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जहां जहां जिस जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, बहरीन में, दोहा कतार में, और अभी प्रेजेंट में सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यूअर जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है एफएनबी के बारे में, सर्विस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर और जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनसे भी ये क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसमें से मिनिमम 5-6-7 क्वेश्चन 100% सारी जगह यही पूछते हैं, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो सर्विस एफएनबी मैनेजर जो होता है साथ में बैठे रहता है, और किचन के एग्जीक्यूटिव शेफ वगैरह हम लोग सारे साथ में बैठे रहते हैं, और एचआर भी साथ में रहता है जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो इसीलिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, वो 8 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और 8 क्वेश्चन ये आपने अगर पढ़ लिए, रट लिए, तो 100% 60-70% आप तो यहीं पास हो जाओगे सर्विस के इंटरव्यू में। ये वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको सारे 8 क्वेश्चन मालूम चल जाएंगे, और जो लास्ट का 8वां क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसा होता है कि किसी को आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ सर्विस, टेल मी टाइप्स ऑफ सर्विस। सर्विस तो बहुत टाइप की है, लेकिन आपको कुछ मेन सर्विस बोल देनी है वहां पर, जैसे इंग्लिश सर्विस, अमेरिकन सर्विस, फ्रेंच सर्विस, सिल्वर सर्विस, और भी बहुत सारी सर्विस होती हैं, लेकिन ये मेन सर्विस आपको वहां पर बोल देनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वाइपिंग, के वाइपिंग हम लोग करते हैं उसका तरीका क्या है, और वो क्या वाइपिंग किसको बोलते हैं। तो सब लोगों को मालूम है ये जो कटलरी, क्रॉकरी, प्लेट हम लोग वाइप करते हैं क्लॉथ से, उसको वाइपिंग बोलते हैं, और इसके लिए हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं। ये आंसर आपको देना है वहां पर। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनी बार, मिनी बार क्या होता है। मिनी बार इज ए स्मॉल फ्रीजर इन गेस्ट रूम, गेस्ट कैन टेक फ्रॉम द फ्रीजर दैट मिनी बार ड्रिंक्स एंड स्नैक्स और सो मेनी थिंग्स इज देयर एंड गेस्ट विल पे फॉर दैट। तो जो गेस्ट के रूम में छोटा फ्रीजर होता है उसको मिनी बार बोलते हैं, उसमें कस्टमर गेस्ट वहां पर ड्रिंक भी ले सकता है, उसमें से बियर वाइन वगैरह भी होते हैं, उसका एक इन्वेंटरी होता है जो कई कई होटल में हाउसकीपिंग के पास होता है, किसी किसी होटल में वो सर्विस के पास होता है, और उसमें बहुत सारे स्नैक्स भी होते हैं, तो वो मिनी बार होता है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप ये आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कवर, कवर क्या है, जो हम लोग बहुत सारे लोग ये 100% पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कवर। तो कवर क्या है, उसका स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू डाइनिंग, यानी कि खाने के लिए जो स्पेस हमें चाहिए टेबल पे, उसको हम लोग कवर बोलते हैं। तो स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू डाइनिंग इन रेस्टोरेंट दैट कॉल इज कवर। तो ये है आपका चौथा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्टली सारे लोग पूछते हैं। तो नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉकटेल, कॉकटेल का आंसर आपको ये देना है, इट इज एन अल्कोहल बेवरेज मेड बाय 2 or more जूसेस एंड क्रीम आल्सो। इसको हम लोग 2 या 2 से अधिक
जूसेस से बना सकते हैं, कोई भी होममेड जूस हो सकते हैं, कैन जूस हो सकते हैं, और उसमें क्रीम वगैरह, मिंट, फ्रेश आपका फ्रूट्स वगैरह ये सारे डाल के हम लोग ये बना सकते हैं। तो इट इज एन अल्कोहल बेवरेज मेड बाय टू आर मोर स्प्रेटेड विद द इंग्रेडिएंट्स जैसे सच एज क्रीम, फ्रूट्स, जूस, ये सबसे हम लोग ये बना सकते हैं। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉकटेल और मॉकटेल में मालूम नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट सेपरेट और भी दूसरे वीडियो बनाऊंगा। कितने क्वेश्चन है एफएनबी के, करीब 50-60 क्वेश्चन का सेपरेट सीरीज बनाने का चाह रहा हूं मैं, जिससे आप लोग सक्सेस हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉकटेल, मॉकटेल क्या होती है, तो इसका आंसर आपको ये देना है। इट इज ए नॉन अल्कोहल बेवरेज मेड बाय टू या आर मोर इंग्रेडिएंट्स सच एज जूस, फ्रूट्स एंड क्रीम एंड फ्रूट्स ऑल्सो एंड मिंट, सो मेनी थिंग्स वी कैन एड इन दिस। सो इसका आंसर आपको ये देना है कि ये फ्रेश जूस से या फिर कैन जूस से सेम टू सेम है, बट ये नॉन एल्कोहल होती है, ये इसका मेन आंसर होता है आपको। नेक्स्ट जो आपका 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइन, ये क्वेश्चन भी 100% आपको पूछा ही जाएगा, यानी कि कॉकटेल, मॉकटेल और वाइन, ये 3 क्वेश्चन जो हैं, और चौथा आपको कबर, ये क्वेश्चन तो आपको पूछे ही पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अपने तरीके से भी इसके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस का है, किचन से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फूड है, बेवरेज है, फूड एंड बेवरेज है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, लेकिन आप अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करके अपने इजी वे में दे सकते हैं, या और भी जो लंबा आंसर आप दे सकते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज वाइन, वाइन इज ए एल्कोहल, इट्स फेरमेंटेड बेवरेज एंड मेड बाय फ्रॉम द जूस एंड व्हीट, ग्रेप्स, राइस, सो मेनी थिंग्स वी कैन यूज फॉर द वाइन। तो ये वाइन का सबको मालूम मोस्टली होता ही होता है, ये फेरमेंटेड करके बनाया जाता है आपको, इसको बहुत सारे गेहूं से, राइस से, ग्रेप्स से, इन सारी चीजों से, और भी बहुत सारी चीजों से, व्हीट से, जो जौ होता है उससे भी बनाया जाता है, गेहूं से भी बनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों से बनाया जाता है। आप वो आंसर अपने हिसाब से चेंज करके भी दे सकते हैं, अपने अनुसार जैसा आपको इजी लगे आप ऐसा आंसर बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होगा आपको, व्हाट इज वाइन। नेक्स्ट जो लास्ट 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ लिक्विड बोतल, जो लिक्विड बोतल होता है लिक्विड का, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, इंटरनेशनल साइज उसका क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन जो अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में भी भूल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, 750 ml, 750 ml का स्टैंडर्ड साइज होता है एक लिक्विड वाइन बोतल का। तो ये थे एफएनबी के 8 क्वेश्चन, और भी इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, किचन के क्वेश्चन, एफएनबी के क्वेश्चन, जो भी मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन दोनों तभी कीजिए जब आप बेल प्रेस करना चाह रहे हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आपको। थैंक